तो हे गाइस, कैसे आप सब। आज मैं हॉलीवुड मूवी द टेस्ट ऑफ लव, ये हॉलीवुड मूवी 1999 की है जो इंग्लिश में है, तो मैं इसको हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ गाइस, तो वीडियो को पूरा देखना। और हाँ गाइस, एक बात और, अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आती है तो लाइक भी मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिसलाइक क्यों करते हैं, तो वीडियो को मतलब डिसलाइक मत कीजिए यार, क्योंकि मैं मतलब मेहनत से बनाता हूँ वीडियो। अगर आपको चेक करना है मूवी की स्टोरी कि मैं गलत बताता हूँ या सही, तो आप गूगल पे जाके मतलब सर्च कर सकते हैं। तो चलते हैं सीधे वीडियो की ओर। मूवी की शुरुआत में गाइस एक कपल को दिखाया जाता है, जिसमें औरत का नाम होता है कैसलिन और आदमी का नाम होता है ईलन, और ये दोनों मतलब उम्रदराज कपल होते हैं, और ये अपने लाइफ से बहुत ज़्यादा खुश हैं, और ये अपने मतलब 50 साल बिता चुके हैं ज़िंदगी की। मूवी के अगले सीन में शादी के मतलब सालगिरह मना रहे हैं 51वां साल का, और इसके बाद ये मतलब बहुत ज़्यादा खुश है, और इनका एक लड़का भी है जिसका नाम केल्विन है, और वो मतलब बहुत ज़्यादा खुश है अपने लाइफ से, अपने पेरेंट्स से, और वो मतलब अपने लाइफ में सपना देखते हैं कि कुछ अच्छा गोल अचीव करें। इसके बाद मूवी के अगले सीन में दिखाया जाता है कि जो एलन है मतलब कैसलिन के हस्बैंड, वो मतलब किसी और औरत से उसका प्यार चलता है, मतलब वो किसी और गैर औरत से संबंध बनाता है, और फिर इसको पता नहीं है कैसलिन को, और फिर वो जाकर मतलब संबंध बनाता है, और ये बात कैसलिन को पता नहीं है, और इधर आकर इलेन जो होता है वो इसको बोलता है कि मतलब मैं लॉयल हूँ और तुमसे ही बस प्यार करता हूँ, और मतलब ये हमेशा रहेगा, और ये तो समझती है कि मुझसे ही बस प्यार करते हैं। इसके बाद मूवी के अगले सीन में दिखाया जाता है कि केल्विन जो होता है वो घर आता है, और फिर क्या होता है कि मतलब ये दोनों बात करते हैं, कैसलिन उसकी माँ और ये दोनों, और ये मतलब अपने गोल के बारे में बताते हैं कि ये करना है मुझे, और वो बोलती हैं कि मतलब कुछ और चीज़ पर मतलब फोकस करो, ऐसे ही करते हैं। तो फिर अचानक से कॉल आता है कैसलिन को कि मतलब उनके पति का हस्बैंड का दुर्घटना हो गया है, कहीं मतलब एक्सीडेंट हो गया है, तो ये मतलब रोने लगती हैं। फिर वहाँ जाती हैं तो मतलब जो एलन होता है उसका पैर मतलब टूट जाता है शायद, और उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है, और इसके मतलब बाद लाइफ बदल जाती है कैसलिन की, क्योंकि कैसलिन को पता चलता है कि मतलब एलन जो है उसका कहीं और अफेयर है, क्योंकि एलन के एक और लड़की है, मतलब वो औरत जो है गैर औरत, उसके मतलब उसके संबंध से एलन और उसके संबंध के बीच से एक लड़की हुई है, और वो लड़की मतलब वो इसको पता चल जाता है कि यहाँ रहती हैं, क्योंकि वो भी हॉस्पिटल आई थी, और ऐसे पता चल जाता है। फिर क्या होता है कि मतलब कैसलिन है इस पे मतलब बहुत ज़्यादा दुख होता है इसको, और मतलब उसको अपने हस्बैंड से ऐसा उम्मीद नहीं था कि वो मतलब अफेयर करेगा, मतलब उसके रहते हुए किसी गैर औरत से अफेयर करेगा। इसके बाद जो कैसलिन होती है मतलब वो धीरे धीरे हालात को समझने लगती हैं, क्योंकि वो जिस गैर औरत से संबंध बनाया था एलन, वो तो मर चुकी हैं, और उसकी लड़की मतलब अनाथ हो चुकी है, तो इसको मतलब दया आता है, और फिर उसको अपने पास ही रख लेती हैं, और उसको समझाती हैं, फिर मतलब ये समझती हैं कि उससे मतलब दुश्मनी थी उस औरत से, इसके लड़की में क्या दोष है। तो फिर क्या होता है कि उधर हॉस्पिटल में जाती हैं और एलन से मिलती हैं, फिर घर भी आती हैं, और इसके बेटे जो हैं वो केल्विन, वो मतलब गुस्सा करते हैं कि ये उसका मतलब नाजायज़ संबंध है, वो जो लड़की आई है उस लड़की पे गुस्सा करता है, लेकिन ये मतलब उसको चुप करा देती हैं कैसलिन। और इसके बाद क्या होता है कि मतलब कहानी में ट्विस्ट आता है, क्योंकि ये जो लड़की है इसके गैर औरत की जो मतलब लड़की, तो ये लड़की बोलती है कि मुझे मतलब अपने दूर के रिश्तेदार के पास जाना है, तो ये बोलती ठीक है, फिर उसके मौसी को बुलाती हैं ये, और उसको मतलब विदा कर देती हैं, लेकिन कुछ दिन बाद वो मतलब वापस आ जाती हैं, क्योंकि कैसलिन जो है मतलब बहुत अच्छी औरत थी और वो उससे प्यार करती हैं, और इसीलिए वो आ जाती हैं वापस। इसके बाद उधर एलन भी मतलब एडमिट था हॉस्पिटल से, मतलब वहाँ से निकल जाता है क्योंकि उसका पैर ठीक हो जाता है। इसके बाद जब हॉस्पिटल से आता है वो एलन, तो उस पर बहुत ज़्यादा कैसलिन गुस्सा करती है, मतलब बहुत ज़्यादा, और गुस्सा भी जायज है क्योंकि मतलब गैर औरत के साथ ये मतलब सोया है। तो इसके बाद क्या होता है कि मतलब एडजस्ट हो जाता है, और वो बोलता है कि मतलब वी लव ईच अदर, मतलब वो सबसे प्यार करता है, उस औरत से भी, इससे भी, और इसके बाद वो तो मर चुकी है औरत, जिस औरत से ये मतलब संबंध बनाया है एलन। इसके बाद मतलब वो एक्सपेक्ट कर लेती हैं कैसलिन उस लड़की को, और इसके बाद मतलब ये मतलब सारे मिल जाते हैं, और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। इस औरत में मतलब यही बात है कि कैसे एक औरत अपने पति का सब कुछ जानते हुए भी मतलब उसको क्षमा कर देती हैं, भूल जाती हैं कि मतलब वो किसी औरत से मतलब संबंध बनाया है,
और उसको एक्सपेक्ट भी कर लेती हैं, और जितना पहले प्यार था उतना अभी है, मतलब यही दिखाया गया है। तो गाइस आई होप ये मूवी जो मैंने एक्सप्लेन किया है ये आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।